भगवान श्री कृष्ण के मित्र होकर भी सुदामा क्यों था इतना गरीब? एक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। एक रात कुछ चोर ब्राह्मण के घर से एक चोने के पुटली को सोने के मोहर समझकर चोरी करके ले जाते हैं। आवाज सुनकर गांव वाले जाग जाते हैं और चोर का पीछा करने लगते हैं, जिससे चोर घबराकर ऋषि शांतिपनी के आश्रम में उस चोने के पुटली को छोड़कर चले जाता है। इधर ब्राह्मण की पत्नी श्राप दिया कि जो कोई भी चोने को खाएगा वह जिंदगी भर दरिद्र बने रहेगा। और दूसरे दिन गुरु माता को वह चोने की पुटली मिलती है। अगले दिन सुबह सुदामा और श्री कृष्ण जब लकड़ी लेने जंगल की ओर जा रहे थे, तब गुरु माता ने उस चोने का पुटली को सुदामा को देकर कहा, भूख लगे तो तुम दोनों इसको खा लेना। माना जाता है कि सुदामा बचपन से ब्रह्मज्ञानी था। उस चोने को हाथ में लेते ही सुदामा उस श्रापित चोने के बारे में समझ गया। सुदामा नहीं चाहता था कि कभी भी उसके मित्र गरीब रहे, इसीलिए पूरे चोना को सुदामा अकेले खा जाता है। और ये वही वजह था जिसके कारण सुदामा को जिंदगी भर गरीबी में रहना पड़ा।